अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या। तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है ये पूरे पार्टी वही है। तो इसलिए पवन देव जी, आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है और आप असली जगह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह का भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बहुत ही हल्की और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है, वो शर्मनाक है, भर्सना योग्य है और राजनीतिक शालीनता और मर्यादा की सारे सीमाएं लांघ गया है। मुझे नीतीश कुमार से सवाल करना है कि आपकी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी क्या उचित है? ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है। और ये कौन सी सामंतवादी अहंकार की मानसिकता है जो भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जिनका मैं उन शब्दों का मैं खुद दोहरा नहीं सकता हूं, मुझे भी शर्म आती है। ये हताशा है ललन बाबू की, ये हताशा है जदयू की, कहीं ना कहीं तलखी है, वो ये अपने अंदर की बात है। लेकिन मुझे ललन बाबू से एक सवाल पूछना है, 2019 में जो मुंगेर से वो लोकसभा जीते हैं, तो नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के नाम पर जीते हैं? जरा मुझे बता दे, तो हम भी जानते हैं, 14 में लड़े थे ना अकेले, 2 हो गए थे ना, खुद हार गए थे और बाद में आए। और दूसरी बात, ये उनकी पूरी टिप्पणी कोई नई नहीं है, ये ललन सिंह वही हैं जो चारा घोटाले में पिटिशनर थे, याद होगा आपको, 5 मामलों में लालू जी और सहयोगियों को सजा हो गई है, आज वो उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। पूरे रेलवे घोटाले को लेकर वो काफी सक्रिय थे, जमीन दो और रेलवे नौकरी प्राप्त करो, जब लालू जी थे रेल मंत्री, आज वो कहते हैं सब फरेब है, सब झूठा है। तो ललन बाबू कैसे पाला बदल रहे हैं भ्रष्टाचार पर, ये तो देश देख रहा है। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है, उसमें बहुत भर्सना करता हूं, ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। पूरी बिहार की जनता जिसको देख रही है, सुन रही है और न्यूज 111 सच्चा खबर छापने का काम करता है, हम भी अपने मोबाइल से इसको सब्सक्राइब करने का काम किए हैं, ये सब्सक्राइब बटन है, इसको दबाइएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और तमाम यूथ छात्र इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको शेयर करके आप फैलाने का काम कीजिए, सच्चा खबर छापने का काम करता है। धन्यवाद। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।